पंजाब सरकार ने लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली आशीर्वाद योजना की राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत दिसंबर 2020 की अदायगी पहले ही कर दी गई। इस नई योजना का 1 जुलाई 2021 से लाभ मिलेगा। सरकार ने दूसरी बार आशीर्वाद योजना में वृद्धि की है। इससे पहले इसे 15,000 से बढ़ाकर 21,000 किया गया था। सरकार ने शगुन स्कीम का नाम बदलकर आशीर्वाद कर दिया था। इसमें सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि डाली जाती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना अनुसूचित जाति, ईसाई भाईचारे, पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक पक्ष से कमजोर वर्ग के परिवारों व किसी भी जाति से संबंधित विधवाओं की बेटियों के साथ साथ 18 साल या इससे अधिक आयु की मुस्लिम लड़कियों पर भी लागू होता है। अनुसूचित जाति से संबंधित विधवाएं व तलाकशुदा महिलाएं दोबारा विवाह के समय भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस राशि में ताजा वृद्धि से 60,000 लाभपात्रियों को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर 180 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए सभी स्रोतों से परिवार की सालाना आमदनी 32,790 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।